19 साल के एक जवान ने सीने पर एक नहीं दो नहीं 18 गोलियां झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। यह कहानी करगिल युद्ध की है, यह कहानी है टाइगर हिल के टाइगर, सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की। करगिल जैसा युद्ध, 19 साल का एक लड़का, जब आप, मैं सीधे वहीं से शुरू करती हूं, जब आप कूच कर रहे थे उस चोटी की ओर जहां पर भारतीय सेना को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, एक 19 साल के नौजवान के मन में क्या चल रहा था उस समय? क्योंकि घातक प्लाटून के अंदर मुझे शामिल कर लिया गया था और हमारा बहुत सारी कैजुअल्टी हुई, दो अफसर, दो जेसीओ और 21 जवान तोलोलिंग टॉप के ऊपर उनकी शहादत हो चुकी थी। बस एक पागलपन था कि अपने साथियों का बदला लेना। द्रास सेक्टर में दो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट चोटियां थी, टाइगर हिल और तोलोलिंग। मेरी यूनिट को ये टास्क दिया गया 26 जून 1999 को कि आप 3 और 4 की रात को जो है हमला करके टाइगर हिल के ऊपर जो है कब्जा करेंगे। जब आगे बढ़ते हुए जहां पर यही नहीं समझ में उस समय आ रहा था, ये तो शुरुआती दौर की भी बातें, जब लग रहा था कि पता नहीं कौन दुश्मन है, कितना कितनी संख्या में है, कहां पर मौजूद है, खड़ी चढ़ाइयां आप लोगों को चढ़नी है, वो सुबह जब आप लोगों को वो पलटवार अपना लॉन्च करना था, दुश्मन ऊपर था, कितनी तादाद में था कुछ पता नहीं था। ये पता था कि हाँ संख्या बल ज्यादा होगा, तो इसलिए हम रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे। इसलिए 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था रात का। बर्फ तो दिन में भी गिरती थी और रात में भी गिरती थी और फिसलन थी, पहाड़ थे, पत्थर थे, बर्फ थी, तो दिन में तो जा नहीं सकते। बहुत ठंडी हवाएं चलती थी, टेम्परेचर -15 -20 के आसपास रहता था। दूसरा जो चैलेंज वहां पर जो रहता था वो था टेरेन का, बहुत पथरीली जगह है, छुपने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है और जो ऑपरेशंस हैं वो केवल रात के टाइम ही किए जा सकते हैं। तीसरी रात जब सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत था, फिर चारों तरफ इधर उधर गए, हम देखा रास्ता कहीं है नहीं, फिर रस्सियों के सहारे, क्योंकि रस्सियाँ थी, रस्सियाँ फेंकी ऊपर पत्थर में, वो अटक गए, फिर धीरे धीरे चढ़ने लगे। ये जो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव था, इसको मैंने स्पेशली इसको चुना था घातक प्लाटून के लिए, क्योंकि तोलोलिंग की लड़ाई में इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत खतरनाक था, सामने मौत थी और पाकिस्तानी भी दिखाई दे रहे थे। तो हम केवल 7 जवान चढ़ पाए थे, तभी उन्होंने फायरिंग खोल दी। तो इतना जबरदस्त फायर हुआ कि 7 हम ऊपर रह गए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम से 8-10 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 फिर बनकर, और उधर से वो फायर करना शुरू किया। हम इधर से ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से फायर कर रहे हैं वो, लेकिन हमने भी 7ों ने एक साथ आधा धुंध फायरिंग किया और उनमें 4-5 थे, 4ों को मार दिया। जो दुश्मन है वो एकदम हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, उसमें खलबली मच गई और जिसकी वजह से जो ऊपर 3-4 जो मोर्चे थे टॉप के ऊपर वो एकदम खुल गए, मशीन गन के, रॉकेट लॉन्चर्स के, ग्रेनेड्स के, और बहुत भारी फायर जो है इस प्लाटून के ऊपर आया। हम ऐसी कंडीशन में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट, यानी मरना निश्चित। ये भी सत्य है कि बिना लीडर के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है,
और उस समय जो हमारा टीम लीडर, हमारा प्लेटून हवलदार, हवलदार मदन हमारे साथ था, जिसके पास फौज का 24 साल का एक्सपीरियंस था, उसके अपने अनुभव से हमको डिप्लॉयड किया। फिर अलग अलग जो है तरीके से, कभी कहाँ से फायर करना है, किस तरह से करना है, हमें 8-7 की संख्या को 14 और 15 की दिखाना है, तो किस तरह से, उसने पूरा अपने हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हमें लड़ाते रहे।